brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है, नतीजे भी तेजी से आने लगे हैं, कई जगहों पर रुझान आने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन मीडिया के सामने आए और जीत का दावा किया। तो वहीं ट्रंप भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि वोटों की चोरी की जा रही है और आज रात संबोधित भी ट्रंप कर सकते हैं। कुछ देर पहले ही उनका ये ट्वीट आया, लेकिन नतीजे चुराने का बड़ा आरोप ट्रंप यहां पर लगा रहे हैं। अगर आप अभी तक के रुझान और नतीजों की तस्वीर पर नजर डालें तो जो बाइडेन काफी आगे चल रहे हैं और ट्रंप कुछ पीछे हैं, और इस बीच ट्रंप आरोप लगा रहे हैं नतीजों की चोरी का। लेकिन किसी भी तरह की धांधली हम नतीजों में नहीं होने देंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं, और देखिए जिस तरह की हलचल अभी अमेरिका में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही कैंप्स में उत्सुकता है, जोश है, उत्साह है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहे हैं। ऐसे में खबरें ये भी आ रही थी कि चुनाव नतीजों के बाद किसी तरह की हिंसक घटनाएं वहां हो सकती है, जिसको लेकर भी वहां पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote, that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. मेरे सहयोगी गीता मोहन इस वक्त जुड़े हैं। गीता, यहाँ पर बाइडेन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कि वही बनने वाले हैं अगले राष्ट्रपति। गीता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ गीता, आपसे थोड़ी देर पहले बाइडेन ने जीत का दावा कर दिया है, वहीं ट्रंप आज शाम या फिर ये कहें कि आज रात तक एक बेहद अहम स्पीच देने वाले हैं। क्या कंटेंट हो सकता है स्पीच का? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो बाइडेन आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो पोजिशनिंग था। वो ये बताना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अर्ली नंबर्स देखकर आप ये कोशिश भी ना करें कि आप आके एक्सेप्टेंस स्पीच दे देंगे और कहेंगे कि मैं जीत गया हूँ। अगर आप देखें उसके बिल्कुल बाद जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, उसी को देखते हुए, उसी को एंटिसिपेट करते हुए ये स्टेटमेंट था जो बाइडेन का। ये कह और मैसेज ये था कि जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसेस पूरा खत्म नहीं होता, तब तक आप आके एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं दे सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो बहुत बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं, तो एक्सपेक्ट समथिंग बिग टुनाइट। अब हमें ये नहीं पता कि नंबर्स क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेंड्स ही हैं। कई स्टेट्स, कई सारे जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये सही है कि ट्रंप आगे हैं, लीड में हैं, लेकिन उन स्टेट्स को कॉल नहीं किया गया है। जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से एक ही स्टेट है ऐसा जिसको बड़े कॉन्फिडेंटली कॉल कर सकते हैं, वो है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के 29 जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं वो जाएंगे अब ट्रंप के खाते में, लेकिन एरिजोना जो है वो फ्लिप कर रहा है, वो वापस जा रहा है डेमोक्रेट्स के खाते में। तो ये देखना होगा कि पूरा काउंटिंग कब खत्म होता है और कोई कंसीड करेगा। गीता, एक बात बताइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नतीजों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या मतलब है इसका?
ये नई बात नहीं है, ये जब से प्रोसेस शुरू हुआ, जब से मेल इन बैलेट्स की बात हुई और मेल इन बैलेट्स एक इनके इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन गया इतने बड़े तरीके से कोविड 19 के चलते, कि बहुत लोगों ने मेल इन बैलेट्स का इस्तेमाल किया है, अर्ली वोटिंग का इस्तेमाल किया है, तब से वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत घपला होने वाला है, बहुत चीटिंग होने वाली है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है, और अगर आप जितने भी पोल्स्टर्स के वो देखें डेमोग्राफिक्स और कौन है जो अर्ली वोटिंग के लिए गया था, वो लोग थे जिनको कोविड 19 से डर लग रहा था, जिनको लग रहा था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक एक असलियत है और जिससे सबको डरना चाहिए या बचना चाहिए। वो कई कई मायनों में वो रिपब्लिकन्स नहीं थे, डेमोक्रेट्स थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने भी अपना खेल बहुत पहले शुरू कर दिया था जब उन्होंने ये कहा कि चीटिंग हो सकता है मेल इन बैलेट्स में, तो मेल इन बैलेट्स के जो काउंटिंग है उसको उसका इतना विश्वास ना करे। दोस्त स्टेट्स में वो कोर्ट तक भी गए रिपब्लिकन्स ये कहते हुए कि पोलिंग डे जो है, जो कल था, जो नवंबर 3 था, पोलिंग डे के बाद कोई और पोलिंग नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पोलिंग अभी भी जारी है। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये फेयर नहीं है, और अब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अर्ली ट्रेंड्स में वो आगे हैं। तो अगर मेल इन बैलेट्स को काउंट इन करने लगेंगे इन स्टेट्स में, तो जो बाइडेन के तरफ भी ये स्टेट्स जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले से भूमिका बांध दी है कि चीटिंग होने की आशंका है। नजर बनाए रखिए क्योंकि बेहद अहम राष्ट्रपति के चुनाव। और मीनाक्षी देखिए बेहद दिलचस्प कि जो सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी माना जाता है उसी पर अब इल्जाम लग रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ स्थिति भारत जैसी है जब कोई भी पार्टी जीतने लगती है या फिर हारने लगती है तो वहां के बैलेट सिस्टम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। बहरहाल शुरुआती जो ट्रेंड्स हैं, जो नतीजे हैं, उसमें बाइडेन आगे दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप बाजी पलट सकते हैं। नतीजों से पहले ही ट्रंप ने वक्त खत्म होने के बाद भी मतदान का आरोप लगाया है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का चुनावी उत्सव है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है किसकी ताजपोशी होगी, कौन अमेरिका का नया बिग बॉस होगा। ट्रंप एक और पारी खेलेंगे या जो बाइडेन अमेरिका के नए कप्तान होंगे। अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है, नतीजों की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन शुरुआती संकेत ट्रंप की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं तो फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे बड़े राज्य एक बार फिर ट्रंप के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रंप को भी पता है कि टक्कर कांटे की है, इसलिए नतीजे से पहले जीत का भरोसा तो जताते नजर आए लेकिन एक दार्शनिक की मुद्रा बनाए रखी। No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. Hopefully, we'll be only doing one of those two. And you know, winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. कोरोना के खौफ के बावजूद अमेरिका में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया जैसे राज्य में वोटरों की कतार नजर आई तो बड़ी तादाद में लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की है। अमेरिकी वोटरों का ये उत्साह ट्रंप को चुनौती दे रहे जो बाइडेन को उत्साहित कर रहा है। I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be until it happens. That's sort of who I am, how I've always run. And but I'm hopeful. बाइडेन को लेकर अमेरिका में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चुनावी नतीजे से पहले बाइडेन पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में स्थित अपने बचपन के घर गए तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बाइडेन की जीत का रास्ता साफ करने में उनकी पत्नी
जिल बाइडन कल फ्लोरिडा में सक्रिय नजर आईं। फ्लोरिडा हमेशा से रिपब्लिकन के साथ रहा है। टीम बाइडन आखिरी वक्त तक हवा का रुख मोड़ने में लगे रहे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलानिया ट्रंप भी कल वोटिंग करने फ्लोरिडा में थी। Florida is a very important state. We're hoping to win it. We are not taking any vote for granted. Joe and I are out here working as hard as we can. So that's why we're here today in Florida. Biden ने कोरोना का मुद्दा उठाया, महामारी का डर दिखाया, कोरोना से निपटने में ट्रंप की नीति और नाकामी पर चोट किया। ट्रंप अमेरिका को और समृद्ध बनाने का सपना दिखाते रहे। अब अमेरिका तय कर रहा है कि किन के वादों में उसे सच्चाई नजर आई। वॉशिंगटन में प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ